बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर थे आईपीएस के जाफर सायत, जो कि स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे और करुणानिधि फैमिली से बहुत क्लोज थे, उनके बीच में और एक कॉन्वर्सेशन होता है उनके और शरद रेड्डी, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे कलिग्ना टीवी के, जिनको चार्जशीट किया गया था। दूसरी बातचीत होती है इनके बीच में जाफर सायद और शनमुगनाथन, जो कि करुणानिधि के प्राइवेट सेक्रेटरी पिछले करीब 30 साल से रहे हैं, और कहा जाता है कि करुणानिधि जो कुछ भी अपनी डीलिंग करते हैं इन्हीं के थ्रू करते हैं। और दो कॉन्वर्सेशंस हैं जाफर शायद और कनी मोड़ी के बीच में, और ये सब बातचीत उसी पीरियड की है, नवंबर 2010 के आखिर से लेकर फरवरी 2011 के बीच में, जब ये सारा कवर अप वगैरह चल रहा था, यानी कि जब राजा को अरेस्ट किया गया उसके आगे पीछे के ये कॉन्वर्सेशंस हैं। और ये जो बातचीत होती हैं इसमें कई चीजें सामने आई, और ये चारों टेप जो हैं हम लोग अपने वेबसाइट पर अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर। उसमें से पहली एक बातचीत तो पूरी अंग्रेजी में होती है जो शरद रेड्डी के साथ है, और बाकी बातचीत ज़्यादातर तमिल में होती हैं, उसमें कुछ कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन ज़्यादातर तमिल में हैं, उसका ट्रांसलेशन करके हमने उसके ट्रांसक्रिप्ट्स इसमें लगा दिए। ये जो बातचीत हैं इससे कई चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़ ये सामने आती है कि ये जो कहानी बनाई गई थी कि ये लोन था और ये लोन इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया गया, ये स्टोरी बिल्कुल फर्जी स्टोरी थी, और इस स्टोरी को बनाने के लिए शरद रेड्डी, जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे कलिग्नर टीवी के, इन्होंने बहुत सारे 100 से ज़्यादा बैक डेटेड डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेट किए, ये उनका एडमिशन इस बातचीत में आता है। ये वाली जो अंग्रेज़ी वाली बातचीत है हम लोग अभी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, जो शरद रेड्डी और जाफर सायद के बीच में है। बाकी तीन कॉन्वर्सेशन ज़्यादातर तमिल में है लेकिन उसका ट्रांसलेशन ट्रांसलेटेड ट्रांसक्रिप्ट हमने दी है। दूसरी चीज़ ये दिखाता है कि इन सब चीज़ों के बारे में करुणानिधि को पूरी जानकारी थी। ये सब जो कवर अप किया गया और वो लोन वापस करने के लिए कुछ दूसरी कंपनियों से पैसा लिया गया और उनसे ज़बरदस्ती पैसे लेकर और वो पैसे वापस करे गए, ये सब कवर अप पूरा, ये जो अगर आप इसके चौथे पेज पर जाएं और जो कॉन्वर्सेशन है जो आपको प्रेस नोट दिया गया है, इसके चौथे पेज पर जो पहला कॉन्वर्सेशन है जो कि शनमुगनाथन के साथ है, अगर इस कॉन्वर्सेशन को देखें, इसमें कुछ पोर्शंस हमने हाईलाइट कर दिए हैं और उसमें साफ साफ ये बात हो रही है, जाफर सायद कह रहे हैं ही इज सेइंग दैट ही विल गिव 60 करोड़ रुपीज फर्स्ट, इट्स ऑल रेडी, आई विल गिव इट एज एडवर्टिजमेंट टू कलिग्नर टीवी फॉर 5 years. Another 20 crores he says he will arrange, but he is saying that it can't be done immediately it seems. फिर वो कहते हैं सर he said 60 crores is confirmed, I told them okay and we have asked them to work out for that 60 crores. Remaining 40 crores I told them we will finish this and then we will do something about the remaining amount. वगैरह वगैरह। ये 31 दिसंबर की बात है। अगर आप दूसरे पेज को देखें, इस प्रेस नोट का दूसरा पेज, ये कब पैसा वापस किया गया, 31 दिसंबर 2010 की बात है। आप दूसरे पेज पर जाइए और देखिए
ये टॉप पेज, टॉप ऑफ द पेज पर जो चार्ट है, 24 दिसंबर को 10 करोड़, 27 दिसंबर को 20 करोड़, 4 जनवरी को 10 करोड़, 5 जनवरी को 10 करोड़, 11 जनवरी को 10 करोड़, ये वही 60 करोड़ है जिसका जिक्र ये शनमुगनाथन और जाफर साहित के बीच में हो रहा है। शनमुगनाथन जो कि करुणा निधि के प्राइवेट सेक्रेटरी और उनकी सारी डीलिंग जो करते हैं उनके बीच में बात हो रही। तो किसी दूसरी कंपनी से जबरदस्ती पैसे लेकर और इसको कि जैसे ये लोन वापस किया जा रहा है, ये सब दिखाने की कोशिश करी गई। इसके अलावा इसमें और कई चीज सामने आती हैं। इसमें टाटा कंपनी की जो डील हुई, जिसमें कि वोल्टास जो एक टाटा की सब्सिडियरी है, उसकी एक बहुत बड़ी ज़मीन, 200 करोड़ से ज़्यादा की भी ज़मीन कनी मोड़ी के एक एड को दे दी गई, उसका जिक्र इस कॉन्वर्सेशन में आता है। और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, तो जो नीरा राडिया के जो टेप्स थे जो बाहर आए थे, उसमें भी जो एक रजती अम्मल से बात होती है नीरा राडिया की, रजती अम्मल और उनके सेक्रेटरी से, उसमें भी इसी वोल्टास की जमीन का और इसी डील का जिक्र आया था। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब नीरा राडिया के टेप्स का के ट्रांसक्रिप्ट्स बनाए और उसको एग्जामिन करने के लिए एक कमिटी बनवाई, तो उन्होंने बोला कि इसमें 13 ऐसी चीज हैं नीरा राडिया की बातचीतों में जिसका प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी गहरी तहकीकात होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली बात जो थी वो टाटा कंपनी के लो फ्लोर बसेस की जो सप्लाई तमिलनाडु सरकार, जब करुणानिधि चीफ मिनिस्टर थे, उनको जो करी गई, उसका सबसे पहला जिक्र है। उसके अलावा आप लोग जानते हैं कि उसी समय जब ये लाइसेंस दिए गए, 10 जनवरी 2008 को ये लाइसेंस दिए गए, 5 जनवरी को टाटा टेली सर्विसेज ने 25 लाख का गिफ्ट कनी मोड़ी के एक उनका एनजीओ था उसको दिया, उसका भी हम लोगों ने एकदम आखिर पेज में नोट लगाया हुआ है। और उसी समय जब ये स्कैम हो रहा था 2G स्कैम, उसी समय टाटा, रतन टाटा ने एक हाथ से चिट्ठी लिखकर, ये 13 नवंबर 2007 की चिट्ठी है, ये पेज नंबर 23 पर है, हैंड रिटन लेटर नीरा राडिया के हाथ से उनके जरिए करुणा निधि को भेजा। करुणा निधि को ये चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कि दूसरा पैराग्राफ अगर आप देखें 23 पेज पर, तो वो लिखते हैं, एवर सिंस मिस्टर राजा टुक ओवर एज मिनिस्टर, देर हैज बीन ए रैशनल फेयर एंड एक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप इन द मिनिस्ट्री ऑन द इशू ऑफ स्पेक्ट्रम ऑल्सो हिज स्टेटेड पॉलिसीज फॉर मोस्ट पार्ट हैव बीन लीगली साउंड रैशनल एंड वेल रिसर्च्ड पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रोवर्सी रिवॉल्व अराउंड द अप्रूवल विच इज बींग कॉन्टेस्टेड इन द कोर्ट्स एटसेट्रा। यानी कि राजा की खूब तारीफ करते हैं और आखिर में अगले पेज पर वो लिखते हैं, लास्ट पैराग्राफ में, आई हैव देयरफॉर रिक्वेस्टेड मिस नीरा राडिया टू पर्सनली कैरी दिस लेटर टू यू एंड एक्सप्लेन टू यू द पब्लिक परसेप्शंस, द ऑर्केस्ट्रेटेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड द वेस्टेड इंटरेस्ट दैट आर सीकिंग टू डिरेल द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी एंड स्पेक्ट्रम बैटल्स rather than seeking national gain। ये सब ये दिखाता है कि टाटा कंपनी और टाटा इस 2G घोटाले में, क्योंकि टाटा को भी लाइसेंस मिले उस समय, टाटा को भी मिले, रिलायंस को भी मिले, और रिलायंस ने एक दूसरी फर्जी कंपनी बनाई स्वान टेलीकॉम, जो कि शाहिद बलवा को दे दी गई, और शाहिद बलवा ने उसका पैसा काफी सारा ये करुणानिधि की फैमिली को दिया, उनकी फैमिली ओन्ड कंपनीज को दिया।
तो इसलिए ये जो टेप्स हैं, देखिए ये टेप्स किसने टेप किए, इनका जो फाइल एक्सटेंशन है वो ये दिखाता है कि नोकिया फोन से टेप किए गए हैं। और क्योंकि इन चारों में ये जाफर साहिद साहब फिगर कर रहे हैं, तो अनुमान ये है कि जाफर साहिद साहब के ही फोन से शायद ये कॉन्वर्सेशन टेप किए गए हैं। ये बाहर कैसे आ गए, किसने बाहर कर दिए, ये हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप उन बातचीत को सुने तो एक बात साफ है कि आवाज़ उन्हीं लोगों की है, जो लोग इन लोगों की आवाज़ पहचानते हैं उन लोगों से हमने वेरीफाई कर लिया है, इन्हीं लोगों की आवाज़ है। और कॉन्वर्सेशन जो है बिल्कुल नेचुरल फ्लो में है, उसमें कोई ब्रेक कोई कट नहीं दिखता। इसलिए प्राइमा फेसी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कॉन्वर्सेशंस ऑथेंटिक लगते हैं और इनमें बहुत गहरी तहकीकात होने की ज़रूरत है। ये तहकीकात सीबीआई भी कर सकती है, जो कि अभी भी कोर्ट मॉनिटरिंग में 2G का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और ये तहकीकात और भी कोई स्वतंत्र संस्था कर सकती है, चाहे लोकपाल हो चाहे जो हो। लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि इसमें कई सारे अपराध इन्वॉल्व्ड हैं। इसमें एक बहुत गंभीर कवर अप इन्वॉल्व्ड है, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, करुणानिधि साहब का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, टाटा का बहुत गहन इन्वॉल्वमेंट तरह तरह की डील्स में दिखाई देता है, एक इसमें बातचीत कहीं हो रही है जिसमें कि एक पावर कंपनी के डील के बारे में बात किया है, जिसमें वो शायद कह रहे हैं कि इसमें 50% इस डील का पैसा हम लोगों के पास आया था।